आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई आज। कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास हुए। आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए। बता दें कि कैबिनेट बैठक की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी, बताया कि बाल लाइसेंस के नियम बदले जाएंगे। अजय मिश्रा यूपी के नए महाधिवक्ता होंगे। वकील अजय मिश्रा के नाम पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ छोटे एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। 5 छोटे हवाई अड्डों पर भी काम किया जाएगा। छोटे हवाई अड्डों को के विकास के लिए संचालन एवं प्रबंधन उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे छोटे हवाई अड्डों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं म्योरपुर, सोनभद्र हवाई अड्डों के विकास संचालन एवं प्रबंधन हेतु भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए O&M एग्रीमेंट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान कर दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और मेरठ वासियों को करोड़ों की सौगात दी। सीएम योगी सबसे पहले धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण किया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के गेट के बाहर ITMS चौराहे को प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन का अवलोकन किया। इसके बाद सीएम योगी ने रैपिड रेल निर्माण कार्य और ITMS कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। योगी आदित्यनाथ शहीद स्मारक पर पहुंचे और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और शहीद स्मारक में निर्मित मल्टीपल हॉल में प्रदर्शनी भी देखी। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को गाजीपुर के जहूराबाद में कुछ युवकों ने हमले की कोशिश की, जिसको लेकर ओपी राजभर ने भाजपा सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। वहीं इस मुद्दे पर प्राइम टीवी से खास बातचीत में सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और हमारी मांग होगी कि ऐसे अराजक तत्व जो गाँव में ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ हमला कर रहे हैं, ऐसी इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो और माननीय ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा सरकार बढ़ाए ताकि जनप्रतिनिधि जनता की सुरक्षा करने जाए और खुद सुरक्षित न हो तो फिर जनता का भी भरोसा जनप्रतिनिधियों को उड़ जाए। इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था के नाम पर ड्रामा किया जा रहा है, जिस तरीके के एक दिखावा किया जा रहा है, इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि जनता तो छोड़ दीजिए, अब सांसद और विधायक भी सुरक्षित। अच्छा, आपके वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता क्या? देखिए, अभी पहचान की जा रही है, हम ऐसे किसी को नहीं कह सकते। जब तक पहचान नहीं हो जाती है या पहचान नहीं हो पाती तो अज्ञात रूप से ये तहरीर दिया जा रहा है और प्रशासन पूरी जिम्मेदारी लेगा कि वो लोग कौन थे। वो जानकारी प्रशासन का होगा, वो काम प्रशासन का होगा, गिरफ्तारी प्रशासन करना है। हमारी जिम्मेदारी है कि सूचना घटनाक्रम की देना है, कौन से समय पर कब क्या घटनाक्रम हो जानकारी दे। सर, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके नामांकन करने हो गया था, तब भी हमला हुआ था, इसे वीडियो सामने आए थे, तो आपकी क्या मानना है? देखिए, ये घटना नहीं हुई, बनारस में भी घटना हुई है, आजमगढ़ में भी घटना हुई है, जौनपुर में भी घटना घटी है, बलिया में भी घटना, मऊ में भी घटना, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब वो कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। हमारी मांग स्पष्ट है कि चाहे वो केंद्र सरकार माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्रालय उनके पास, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सुरक्षा बढ़ाएं और ऐसे अराजक तत्व जो गांव में इस तरह की हरकत कर रहे हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करें और गिरफ्तारी करके कार्रवाई करें। एक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और मनोबल जब बढ़ेगा एक का देख करके कई लोग अपने अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, हमारा गठबंधन है, सदन चलेगा, इन सब घटनाओं का
चाहे वो इलाहाबाद की घटना हो, चाहे चंदौली घटना हो, चाहे ललितपुर की घटना हो, चाहे आजमगढ़ घटना हो, चाहे बलिया तिमोह की घटना हो, चाहे जौनपुर घटना हो, सभी घटनाओं को सदन में के पटल पर रखकर सरकार को एहसास कराया जाए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जंगल का राज चल रहा है, जहां जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो जनता को हम क्या सुरक्षा दे पाएंगे, और सड़क पर हम लड़ेंगे और सदन में हमारे विधायक लड़ेंगे और सरकार को यह एहसास कराएंगे। जी अरुण जी, ये बताइए कि आप समाजवादी गठबंधन के साथ हैं, सब लोग साथ इस रूप के साथ रहेंगे, क्योंकि ये एक विधायक के साथ अन्याय नहीं हुआ है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों के साथ एक इस तरह की घटनाएं हो सकती है। आज कार्रवाई नहीं होगा तो कल कई लोगों पर हमलाएं होंगी, तो फिर सरकार जिम्मेदारी ले ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कराने की, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तो और लोग भी सुरक्षित होंगे और जनता में भरोसा जमेगा कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा तो कार्रवाई होगी। अच्छा, आपके मुताबिक कई बार हमले हुए हैं, अभी हाल ही में विधानसभा में हुए, तो अगर आपको सुरक्षा नहीं मिलती आपका, देखिए वो अगर नहीं देते हैं तो हम सदन में और सड़क पर लड़ेंगे और जनता के साथ, हमारे साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जितने भी घटनाएं घटी इसको लेकर के जनता को बताया जाएगा कि जिसके लिए लड़ते हैं, जिस अधिकार की बात हम तुम्हारे लिए करते हैं, उसको भी सरकार को हम एहसास कराएंगे कि देखो अगर ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं तो अपनी ताकत इकट्ठा करो, कल के डेट में हमारी ताकत इकट्ठा होगी तो वो जो अन्याय करने वाले लोग हैं हम उनका जवाब दे पाएंगे। एकता में ताकत होती है और एकजुट करेंगे सबको और लड़ेंगे सड़क से सदन तक, मजबूती से लड़ेंगे और कार्रवाई करके दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर। इनका साफ तौर से कहना है कि आज की घटना के बाद वो सुरक्षा की मांग करेंगे और जब सदन चलेगा तो वहाँ भी मांग रखेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ प्रभान सुल्तान। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने खान को जमानत दी है। ये फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, अभी वो सीतापुर जेल में ही बंद रहेंगे। बता दें कि आजम खान के खिलाफ अब तक 88 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इनमें से 87 मुकदमे में उन्हें अलग अलग अदालतों से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। आज के मामले को मिलाकर 87 मामलों में आजम खान की जमानत हो चुकी है। अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर उनके समर्थन में उतर आए हैं। वहीं कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के विरोध में है और उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं वो राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं, और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जा कर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। समाज में आदिकाल से अनेकों प्रकार के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं, लेकिन अयोध्या सबके स्वागत के लिए तैयार है। जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा अयोध्यावासी होने के नाते उसका स्वागत किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। आज याचिका पर सुनवाई होने वाली थी जिसे इलाहाबाद में वकीलों की हड़ताल के बाद फिलहाल टाल दिया गया है। तो ताजमहल को लेकर भी अब
राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं वकीलों की हड़ताल के चलते आज सुनवाई टाल दी गई है। आपको बता दें कि आज ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोलने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज ये नहीं हो पाई। फिलहाल के लिए इसे टाल दिया गया है, लेकिन ये 20 कमरों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ताजमहल पर सुनवाई अभी टाल दी गई है। देवरिया के हनुमान पब्लिक स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया और सांसद ने बताया कि जो बच्चों ने साल भर में उत्कृष्ट कामों में योगदान दिया है, हमने पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया और इसी तरह हर छोटे बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बच्चे देश का नाम रोशन करें। पब्लिक स्कूल देवरिया के वार्षिकोत्सव में जो विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों ने प्रतिस्पर्धा किया और उसमें जो बच्चे पुरस्कृत होने वाले हैं उनको आज पुरस्कार वितरण होना है। निश्चित ही ऐसे बच्चों को मैं बधाई देता हूं और शुभकामना करता हूं कि वो जीवन के क्षेत्र में किसी प्रकार से प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम आने, द्वितीय आने और आगे प्रथम आने और उससे निश्चित ही उनके प्रतिभा का जहां विकास होगा। कानपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भूमाफिया के चंगुल से शहर में 300 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है और आगे भी माफियाओं के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। देहली, सुजानपुर, सनीगवा, बिनगवा, मकसूदबाद, बिठूर, सरसौल, नाबाद जैसे इन इलाकों में भी माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी रहने की बात कही गई है। कानपुर में अब तक जिला प्रशासन, केडीए, नगर निगम और कानपुर पुलिस सभी के द्वारा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अब तक 300 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं, तमाम ऐसी संपत्ति है जो भूमाफियाओं के हाथ में थी। कुछ ऐसी भी संपत्तियां हैं जो कि अतिक्रमण थी, कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो कि गलत तरीके से नियमों की अनदेखी करके बनाई गई थी। तो कुल मिला के 300 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है जिसे कन्फिस्केट किया गया है, जब्त किया गया है, ध्वस्त किया गया है, जो अलग अलग कैटेगरी में हैं और ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में कानपुर नगर में जारी रहेगा। जिला स्तर पे एक सिनर्जी है और एक क्लियर अप्रोच है जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। संभल में एक शख्स द्वारा पत्नी को 3 तलाक देकर 3 बच्चों समेत घर से निकाले जाने का मामला सामने आया है। ट्रिपल तलाक पीड़िता द्वारा आरोपी शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दिए जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस के आला अफसरों से आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। ट्रिपल तलाक पीड़िता ने आरोपी शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहरीर दिए जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस के आला अफसरों से आरोपित पति के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। अच्छा, आज जो आपके पति ने आपके घर पे आके तलाक दी है, क्या है पूरा मामला और किस वक्त? मेरे पति शाम के टाइम आए मगरिब के बाद और मुझे तलाक देकर चले गए। मैंने उनसे पूछा क्यों तुमने मुझे तलाक दी, तो बोले मेरे घर वाले यही चाहते थे क्या उसको छोड़ दे। वो मुझसे 6 साल से कह रहे थे लेकिन मैंने अब तक नहीं छोड़ा, मैं अब छोड़ के जा रही हूँ तुझे। और मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, अब मैं कहाँ जाऊँ? कितने साल शादी को हो गए? 6 साल हो गए शादी को। पति कहाँ का रहने वाला है? कोट बगरबी, मौलाना इशाक की गली। आप क्या चाहती हो आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मुझे इंसाफ मिले, सरकार से मुझे इंसाफ चाहिए। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके में मेरठ दिल्ली रैपिड रेल का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसी के निर्माण कार्य में लगी क्रेन जब एक पिलर को उठा रही थी तभी क्रेन की चेन टूटने के कारण पिलर नीचे आ गया।
गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि 5 साल की बच्ची मामूली रूप से घायल हो गई है। उठा था ऊपर के लिए, यू एकदम इसका तार टूटता है, पिलर टूटने के बाद किसका उठा था, काम कौन उठा रहे थे पिलर? ये क्रेन वाले उठा रहे थे ऊपर के लिए। किस चीज का यहाँ काम चल रहा है? ये मेट्रो का है। तो फिर क्या हुआ? ये गिरता है ऊपर से नीचे, गिरने के बाद एक गाड़ी थी उसमें भी फाड़ लाता है, उसमें भी कुछ चोट लगती है भाई, बाकी किसी को कोई चोट नहीं लगी है, गाड़ी में थोड़ा बहुत फाल्ट है। देवरिया के बरहज पुलिस 3 क्षेत्र के भ्रमण कर रही थी, इसी दौरान बेलहाड़ मोड़ के पास बोलेरो से गौवंश पशु को ले जाते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने वाहन को रोककर सात पशुओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फरुखाबाद में बाबा का बुलडोजर रफ्तार से चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिसिया कार्रवाई से भयभीत होकर एक हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती पकड़कर अपनी पत्नी के साथ एसपी के पास पहुंचा। यहां हिस्ट्री शीटर लकी पाल ने भविष्य में अपराध नहीं करने की कसम खाई। बता दें कि हिस्ट्री शीटर लकी पाल के ऊपर हत्या और रंगदारी समेत विभिन्न धाराओं में 16 मुकदमे दर्ज है और 20 महीने जेल में रहने के बाद बीती 23 तारीख को हिस्ट्री शीटर छूटा है। को आए थे हम, अभी 20 महीने बाद छूट के आए हैं, हमने शादी कर ली है, हम ये चाहते हैं कि पुलिस हमें बिना फालतू में परेशान ना करे। मतलब किस बात को लेकर परेशान करते हैं? कोई भी बात होती है उसमें सब पुलिस या कोई भी सब ये कहते हैं कि हमने कराया है, हमने किया है, तो हमारा किस कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। आपके ऊपर कुछ पुराने मुकदमे हैं? पुराने मुकदमे जी हैं। कब से कब तक के हैं? 14 से 19 तक के हैं। क्या क्या किन धाराओं में मुकदमे हैं? 302, 307 और रंगदारी यही मुकदमे हैं। अब क्या करना चाहते हो? हम सुधर के रहना चाहते हैं, हमने शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि आए दिन हमारे पति को परेशान करती है पुलिस। अच्छा। कहीं भी शहर में कोई भी कांड होता है मेरे हस्बैंड का नाम आता है और हम मतलब इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, हस्बैंड हमारे सुधरना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। श्रावस्ती में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। हमको करीब 2 बजे एक गांव के व्यक्ति फोन किए कि आपके यहां लहरी के भाई का मौत हो गया, करंट 11,000 वोल्टेज लगी है। महासेमरा में टेंट लगा था, ओमकार वर्मा का टेंट लगा था और वहाँ पे काम कर रहा था लड़का, तो उनके माँ आधा घंटे के अंदर हम अपने गांव से वहाँ जब पहुँचे हैं तो लड़के की हालत बिल्कुल गंभीर थी। कानपुर सिटी में चल रही ई बसों से होने वाले हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बीते 1 साल में लगभग 32 हादसे हो चुके हैं। इसी बीच आज फिर ई बस की बड़ी दुर्घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चकेरी के कृष्णा नगर में एक ई बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें उसमें बैठे आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक घटना की वजह की पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रतापगढ़ में सड़क और नाली बनवाने को लेकर आम जनता कब से मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि शहर के कुछ इलाकों में काफी समय से विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। विकास कार्यों के निर्माण पर सभासद तबारक हुसैन इदरीशी ने कहा कि चेयरमैन की ओर से वार्ड नंबर 9 की जनता से भेदभाव किया जा रहा है। बीते 5 सालों में वार्ड में नाली सड़कों का कोई भी काम नहीं हुआ है। इसी के साथ आरोप भी लगा है कि कई बार नगर पंचायत में शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई और परेशान लोगों की बात सुनने के लिए अधिशासी अधिकारी तैयार नहीं है। अगर अब 15 दिनों में नहीं बनी नाली और सड़क तो नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज कार्यालय में धरना दिया जाएगा। हमें ज्ञापन देने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि लगभग 4.5 साल पूरा होने को है, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं कराया गया अभी तक। सिर्फ एक काम कराया गया है, उसके अलावा कोई काम नहीं कराया गया। 4.5 साल हो गए हैं जिसमें एक सड़क सलाहुद्दीन के घर से लेकर अख्तर हुसैन टेलर तक
उसका बोर्ड के दूसरी मीटिंग में प्रस्ताव दिया था हमने, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं कराया गया। जबकि इसी नगर पंचायत में बहुत सारे रोड जो रिपेयर योग्य थे उसको नई सड़कें बना दी गई हैं, और हमारे वार्ड में बहुत सारी सड़कें नालियां टूटी पड़ी हैं, लेकिन एक भी काम नहीं कराया जा रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन हुआ। यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत ने एक डिबेट शो में काशी विश्वनाथ मंदिर और साधु संतों को लेकर विवादित प्रतिक्रिया दी थी। इससे नाराज एबीवीपी के छात्रों ने जमकर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद स्टूडेंट्स परिसर में प्रदर्शन करते दिखे। उनकी मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन डॉक्टर रविकांत के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। विश्वविद्यालय में एक यहाँ के तैनात जो अध्यापक है उनकी तरफ से धार्मिक आहत करने को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कई छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सलोनी शुक्ला है, बीकॉम सेकंड ईयर। सलोनी, ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ प्रदर्शन कर रही है और क्या मांगों पे अड़ी हुई है? कल एक वीडियो सामने आया जिसमें हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत जी ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि जहांगीर जो है उन्होंने सही काम किया था, औरंगजेब ने सही काम किया था, उन्होंने मंदिर तोड़वा दिए थे और वहां पर नग्न अवस्था में औरतें नहा रही थी, उनका रेप कर दिया पंडितों ने, तो उन्होंने मंदिर तोड़वा कर सही काम किया, उसकी जगह मस्जिद बनवा दिया। और जो औरतें अभी डिमांड कर रही हैं कि मंदिर बनना चाहिए, वो उनको इस बात से सीखना चाहिए। अभी आकर वो कुछ देर पहले हाल में बोलकर गए कि वो किसी किताब का उठाकर वाक्य उन्होंने कह दिया। ये एक प्रश्न मेरा है उनसे कि वो एक प्रोफेसर है तो ऐसी किताब का वाक्य क्यों उठा रहे हैं जो किसी के सेंटिमेंट हर्ट कर सकता है। ये बताया, आप घंटों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आपके के वो शिक्षक भी आए थे, तो उनकी तरफ से क्या दलील दी जा रही है? उनकी दलील ये दी जा रही है कि मैंने सिर्फ एक वाक्य प्रस्तुत कर दिया था एक बुक में से उठाकर, मैं फिर भी अगर मेरा संविधान का हक नहीं है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। उनका साफ साफ स्टेटमेंट ये था कि वो एहसान कर दिए हैं हम पर माफी मांग कर, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें संविधान का हक नहीं है तो माफी मांगेंगे। संविधान तो ये भी हक देता है कि सेक्युलर होना चाहिए। तो हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र थे, इनका साफ तौर पे धार्मिक मामलों को आहत करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर राकेश द्विवेदी जी। सर आज यहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे धार्मिक मामलों को आहत का आरोप लगाकर शिक्षक पर, क्या पूरा मामला था और क्या निष्कर्ष निकल के आया? ये एक कल इस प्रकार का विषय आया कि शायद एक हमारे शिक्षक द्वारा कुछ इस प्रकार का निर्चलन पर कुछ एक अपना वक्तव्य दिया गया, तो जिसमें कुछ हमारे यहाँ के छात्र थे उनको लगा कि आपका धर्म विशेष को लेकर कुछ भावनाएं उनकी आहत हुई हैं, उसी को लेकर के छात्रों ने जो है अपना प्रदर्शन किया था, जिसमें शिक्षक आए थे, उन्होंने अपना उसमें खेद भी व्यक्त किया है और कुछ बच्चों ने और कार्रवाई की बात की, तो लिखित रूप में हम लोग को दे रहे हैं, जो नियमानुसार जो होगा उस तरीके से हम लोग आगे करेंगे। सर, छात्र आप प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने निकल रही कि छात्रों पर भी आप कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसी भी बातें आई हैं क्या? अभी इस प्रकार का विषय नहीं है, मतलब ये सब जनतांत्रिक अधिकार है करने का, तो उस तरीके से अपनी बात सब लोग कह रहे हैं, कोई इस प्रकार का विषय नहीं है। अच्छा, जो अध्यापक है जिन पे आरोप लगा है उनका पक्ष क्या है, क्योंकि आप प्रोक्टर है, आप दोनों पक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाले होंगे। नहीं, पक्ष बेसिकली क्या है, जब छात्रों ने अपनी बात कही तो हमने टीचरों को बुलाया, टीचर ने भी अपनी बात कही है, ठीक है। अगर इसमें लगता है कोई संतुष्ट होता है, असंतुष्ट होता है। सर, क्या छात्र इस कार्रवाई के बाद सहमत है जो आपने की? नहीं, देखिए, जो हमारा काम विश्वविद्यालय में लॉ, अभी आज घटना हुई, हमने बातचीत की, उस चीज़ को हमने खत्म कर दिया, बाकी अगर कुछ हमको लिखेंगे तो आगे फर्दर जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के अधीन हम लोग कार्य करेंगे। ये इस प्रकार का मुझे लगता है कि पहला मामला अभी यहाँ इधर इस पर भी इधर घटना में आया है, आगे कुछ होगा जो नियमानुसार होगा देखा जाएगा। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि छात्र और शिक्षकों के बीच अच्छा तालमेल बना जाएगा, साथ ही साथ शांति व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी सच साहस।